नमस्कार दोस्तों, इनवारो एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जब से आपका गेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, तब से जो है बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर क्या एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे को गेट देना चाहिए? क्या फ़ायदा होगा एमएससी के बच्चे को गेट देने से? क्या गेट जो है यूजीसी नेट जीआरएफ का अल्टरनेटिव है? इन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस जो है हम क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप भी कंफ्यूज हैं गेट और यूजीसी नेट जीआरएफ में, तो ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन जो है दूर करेगा। बच्चे ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट जो है हम यहाँ पे आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर आप गेट की बात करो, तो गेट जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों कराया जाता है? गेट का एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली बीटेक के बच्चे जो एमटेक करना चाहते हैं, या एमटेक का बच्चा जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है बच्चे, यानी कि बीटेक करने के बाद में जिस बच्चों का मोटिव हायर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का होता है, लाइक आईआईटीज एनआईटीज, वो भी आपका गेट का एग्ज़ाम देगा। और बीटेक करने के बाद में जो बच्चा जो है पीएचडी करना चाहता है, वो भी जो है गेट का एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आप हमेशा देखेंगे, वो ये देखेंगे कि गेट बेसिकली आपका इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा जो है आपका जो पीएसयूज हैं, वो भी अपनी जो पोजीशन फिल करते हैं वो गेट के स्कोर पे करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है कि एमएससी का बच्चा भी एलिजिबल है गेट देने के लिए, है ना? पर एमएससी का जो बच्चा है उसको गेट देके क्या फ़ायदा होगा, है ना? गेट देने के बाद में क्या वो इक्वल एलिजिबल हो जाएगा जैसे कि इंजीनियरिंग का बच्चा, है ना? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मान लीजिए जो एक पोस्ट आई एंड उस पोस्ट में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड गेट इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, गेट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अब उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका गेट जो है आपके पास में है, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं और आपने गेट जो है क्लियर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिसमें क्लियरली इंजीनियरिंग का बच्चा मांगा हुआ है, केवल इस बेस पे कि भैया मेरा भी तो गेट है, ठीक है, मैंने भी गेट दिया है, तुमने भी गेट दिया है, तुमने भी मास्टर डिग्री की है, मैंने भी मास्टर डिग्री की है, तो क्या दोनों का जो है एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं है, है ना बच्चे, बिल्कुल नहीं है। जिन पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली मेंशन होता है इंजीनियरिंग की डिग्री विद गेट, वो कभी भी आपके एमएससी प्लस गेट के इक्वल नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी जो है बच्चों में क्रिएट हो जाती है, है ना, कि हम गेट क्लियर करने के बाद में इंजीनियरिंग की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये ज़रूर है कि गेट के बेस पे आप जो हैं अपना जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं लाइक आईआईटीज एनआईटीज, वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम थोड़ी बात करें यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट जेआरएफ जो है ये एग्ज़ाम बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फेलोशिप भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फेलोशिप गेट में भी मिलती है, हायर रैंकिंग के जो बच्चे होते हैं उनको जो है गेट क्वालिफाई करने के बाद फेलोशिप मिलती है, बट ये बेसिकली आपका जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो आपका होता है, ये एक तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल करता है, जो हायर रैंक के बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनका जीआरएफ का कट ऑफ क्लियर होता है, उनको फेलोशिप मिलती है।
जो आपका गेट है, गेट बेसिकली आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर में, और साथ पुराने जो हमारे आईआईटीज हैं वो सब मिलके रोटेशन में कंडक्ट कराते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी दे दी जाती है, जैसे कि आईआईटी कानपुर जो है कंडक्ट करा रहा है ना, तो रोटेशन में चलता रहता है, किसी को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वो अपना गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इसके कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे है। ठीक है बच्चे, गेट का एग्ज़ाम जो है साल में एक ही बार होता है, और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है कोविड से पहले, कोविड के बाद थोड़ी जो है हालत बदल गई है, ठीक है, बट ये हमेशा नहीं रहेगी, फिर से साइकिल ठीक होगी। साल में 2 बार होता है ना, जून में और दिसंबर में। ठीक है, अभी 2020 के बाद से थोड़ा सा साइकिल गड़बड़ा रही है, बट ये ठीक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जो गेट है वो लगभग 25 इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं उनमें कंडक्ट कराया जाता है, और यूजीसी नेट लगभग 81 सब्जेक्ट के आसपास हैं जो आपका मतलब जिनमें यूजीसी नेट आपका होता है। ठीक है, उनमें एक हमारा सब्जेक्ट भी है इन्वायरमेंटल साइंस का, कोड नंबर 89। ठीक है, वहीं पे अगर आप फिर से आप देखें कि बीटेक का बच्चा गेट दे सकता है, एमटेक का बच्चा गेट दे सकता है, और एमएससी का बच्चा गेट दे सकता है, बट बीएससी का बच्चा गेट नहीं दे सकता। ठीक है, बीटेक, एमटेक और एमएससी का बच्चा जो है वो गेट दे सकता है। वहीं पे अगर आप बात करें जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, वो जो है जो एमएससी का बच्चा है, ठीक है, वो उसके लिए एलिजिबल है। एमएससी में कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए तो आप जो है यूजीसी नेट दे सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ के लिए बेसिकली आपका एज लिमिट है 30 साल, पहले 28 था फिर 30 कर दिया गया है। 30 साल तक जो है आप एलिजिबल रहेंगे जेआरएफ के लिए, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, एलएस आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप बेसिकली अगर आप गेट क्लियर करते हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि गेट क्वालिफाई करने के बाद में बीटेक का बच्चा एमटेक में रजिस्ट्रेशन कराएगा, एमटेक में एडमिशन लेगा, ठीक है, पीएचडी में वो जो है एडमिशन लेगा। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको फेलोशिप मिलेगी जेआरएफ, मतलब कि जैसे के जितनी, और आप जो है जो आप हमारी रेपुटेड लैब है सीएसआईआर की वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से जो आपके सीएसआईआर की जो लैब हैं उनमें जेआरएफ की जो पोजीशन है वो गेट की स्कोर के माध्यम से भी फिल होती है। वहीं पे यूजीसी नेट जो है, अगर आपका केवल मोटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वो पूरा हो जाता है, एंड अगर आपने पीएचडी करनी है फेलोशिप के साथ में तो जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में जो है आपको जो हमारे रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं उन सभी में एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी है कि जेआरएफ के बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा आईआईटीज में केवल गेट के बेस पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास में यूजीसी नेट जेआरएफ है तो आप जो है आईआईटीज में, एनआईटीज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप एलिजिबल हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में, गलतफहमी है कि उसके लिए तो आईआईटी में जाना है तो गेट करना पड़ेगा, है ना भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप एमटेक को और पीएचडी को एक समक्ष नहीं रख सकते, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ में अगर हम बात करें पीएसयूज की, तो देखिए फिर से जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जो आपके पब्लिक सेक्टर हैं, जो रेपुटेड आपके कंपनीज हैं,
तो उनमें गेट के स्कोर पे भी जो है पोजीशन फिल की जाती हैं, पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है कि गेट के स्कोर पे वो बीटेक के या एमटेक के बच्चों को लेते हैं, ठीक है। अगर उनको एक ऐसी पोजीशन फिल करनी है जो कि बेसिकली साइंस से संबंधित है, तो उसके लिए आपका अगर जेआरएफ है, नेट जेआरएफ है, तो वो स्कोर काम आएगा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि अगर आपने जो है पीएसयूज में नौकरी करनी है और एक पोस्ट आई कोई भी जिसमें जो है उन्हें साइंस का बच्चा चाहिए, एमएससी का बच्चा चाहिए, तो उस टाइम पे अगर उस एमएससी के बच्चे के पास में नेट जेआरएफ है तो वो एलिजिबल रहेगा, जैसे कि बीटेक के या एमटेक के बच्चे के पास में गेट है। पर ऐसा नहीं होगा कि अगर वो मांगे कि भाई आपका बीटेक होना चाहिए, सपोज़ करो मैं इन्वायरमेंट साइंस की ही बात करूं, बीटेक इन इन्वायरमेंटल साइंस और सिविल इंजीनियरिंग, है ना, ये लिखते हैं, या फिर बोलते हैं कि एमटेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, और उससे पहले बोलते हैं कि आपका बीटेक होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में। इस तरीके से वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो गेट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के बेस पे होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप एमएससी के बच्चे हैं और आपके पास में गेट है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा है वो इंजीनियरिंग के ब्रांच के बच्चों के लिए कहा है। वहीं पे इसी तरीके से उन्होंने एक और पोस्ट जो है निकाली हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिस्ट की पोस्ट चाहिए और उसके लिए एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का बच्चा चाहिए। तो उस टाइम पे अगर एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे के पास में यूजीसी नेट जेआरएफ है, तो वो जो सिलेक्शन करेंगे वो यूजीसी नेट जेआरएफ के स्कोर के बिहाफ पे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक सी आपकी चीज़ें हैं जो आपको क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। आप जो है डेफिनेटली गेट का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। पर अगर आप जो हैं ये सोच रहे हैं कि गेट देने के बाद में आप जो हैं एक एमटेक के बच्चे के समक्ष होंगे, तो ये गलतफहमी है। बीटेक एमटेक गेट, ठीक है, ये सीक्वेंस जो है अलग है। बीएससी एमएससी गेट करने के बाद में आप दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है। वहीं पे एक और बहुत बड़ी बात जो मोस्टली बच्चे नहीं जानते हैं, काफ़ी बच्चों का मुझे फ़ोन आता है कि सर मैंने एमएससी के बाद में एमटेक किया है और गेट भी मेरा है, तो क्या मैं जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में टीच कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप टीच कर सकते हैं, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसके बाद में आईआईटी एनआईटी या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं, तो वो ज़माना पहले का था, अब आपके क्राइटेरिया बदल गए हैं। जो हमारा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उसके अनुसार कोई भी कैंडिडेट जो बीटेक को टीच करेगा उसके पास में बीटेक और एमटेक की डिग्री होनी चाहिए सेम सब्जेक्ट में, ठीक है ना। पहले क्या होता था, एमएससी के बाद में एमटेक बच्चे ने कर लिया, एमटेक के बाद ठीक है गेट कर लिया और वो जो है टीच कर लेता था, है ना। पहले जो है पुराने प्रोफेसर आपको शायद ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका बीएससी एमएससी और एमटेक है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीच कर रहे हैं, ठीक है। बट अब जो है जो रूल है नियम है उसके अनुसार बीटेक को पढ़ाने के लिए बीटेक एमटेक होना चाहिए, एमएससी एमटेक नहीं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात है
इस गलतफहमी में भी आप मत रहना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको रख ले, है ना, किसी सोर्स से या किसी वजह से, पर वो आपको बीटेक के लिए नहीं शो करेगी, है ना, वो आपको दूसरे अदर साइंस के सब्जेक्ट के लिए अपने यहाँ पे शो करेगी, चाहे वो आपसे पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ले बाद में, है ना। बट नॉर्म्स के अनुसार आप एलिजिबल नहीं हैं, एमएससी का बच्चा जो है इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप गेट और जेआरएफ का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो एमएससी का जो बच्चा है उसको जेआरएफ का ज़्यादा फ़ायदा है। गेट आप दीजिए, डेफिनेटली आपका नॉलेज इन्हांस होगा और आपको पीएचडी करने का मौका मिल सकता है, और जो है आपकी जो लैब्स हैं उनमें भी आपको जो है जेआरएफ की पोजीशन के लिए रखा जा सकता है, डेफिनेटली उसका अपना एक फ़ायदा है। पर ये जो गलतफहमियां बच्चों के मन में हैं, जो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब जो है अब बच्चों के क्वेश्चन के आधार पे हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पोस्ट आई थी आपकी, शायद आपकी देहरादून में थी और उन्होंने गेट का स्कोर मांगा था, ठीक है, ONGC में शायद पोस्ट थी, तो उसमें उन्होंने सिंपली लिखा हुआ था कि भैया हाँ इन्वायरमेंटल साइंस में पोस्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पोस्ट है एंड आपका बीटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए या एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन जो है आपका किसके बिहाफ पे होगा, गेट के स्कोर पे होगा, गेट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। बट रखेंगे वो बीटेक या एमटेक के बच्चों को, अगर आप एमएससी करने के बाद में गेट है और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं उस पोस्ट के लिए। तो आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से पहले समझना होगा, और कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भविष्य में मुझे इसका कितना लाभ है। अगर आप फोकस्ड होकर जेआरएफ की तैयारी करते हैं एक साल और आपका जेआरएफ जो है निकल जाता है, तो जितने भी आपके एमएससी के आधार पे पोस्ट फिल होंगी वो डेफिनेटली जेआरएफ ही मांगेंगी, है ना। हो सकता है वो ओब्लिक करके गेट वहाँ पे लिख दें, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एमएससी का जो बच्चा है वो केवल और केवल गेट के स्कोर के आधार पे सेलेक्ट हो जाएगा और एक जेआरएफ का बच्चा रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जेआरएफ का बच्चा जेआरएफ ही का है, और एमएससी जो है एमएससी के बाद जेआरएफ का एक अलग ही जो है रुतबा है, ठीक है। गेट करने के बाद में डेफिनेटली आपको अच्छा फील होगा, हो सकता है आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए, उसके बाद में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप जेआरएफ का अपना नंबर भरेंगे, पांच नंबर होते हैं जेआरएफ के और 3 नंबर होते हैं आपके एलएस के, वो क्लियरली जो लिखते हैं, है ना, कि भैया जेआरएफ होना चाहिए आपका, ठीक है, जेआरएफ है तो 5 नंबर है, एलएस है तो 3 नंबर है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको अगेन उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे लगता है कि आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली कुछ बच्चे ये भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर गेट की तैयारी कैसे करें, उसके लिए आप जो है वीडियो बनाइए, डेफिनेटली उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है बच्चों, एंड आपको बताएंगे कि आप गेट की सही तैयारी कैसे कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जो है जेआरएफ के साथ साथ में गेट, सेट एंड आपका एएसआरबी नेट सभी क्लियर हैं, ठीक है। तो जेआरएफ जो है उस यूजीसी नेट का जो सिलेबस जो है वो बेसिक है किसी भी आपके टेस्ट का इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिसने यूजीसी नेट जेआरएफ का सब जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कर लिया, इन्वायरमेंट साइंस में कोई भी एग्ज़ाम उसका नहीं रुकेगा बच्चों, ठीक है। तो उस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, जियो बच्चों।